एक अच्छा सहाफी, एक मुल्क की मट्टी से, मुल्क की मट्टी का आशिक, लैंड माफिया से गिन खाने वाला, करप्ट लोगों से नफरत करने वाला, मुल्क पे जान निसावर करने वाला, जिसकी जिंदगी का मकसद सच्चाई की तलाश रहा, चाहे कोई भी द्वार हुआ, कोई भी हुकूमत हुई, कोई भी हाक पे वक्त हुआ, मैंने उसको गरीब परवर पाया, इंसान दोस्त पाया। उस सहाफी से बहुत बड़ा इंसान था और इंसान से बहुत बड़ा सहाफी था। पहले तो मेरी एक गुजारिश है, आपको पता है कल मैं प्रोग्राम में नहीं बैठा, परसों रात जिस दिन उसको शहीद किया गया उससे पहले मेरी उससे 42 मिनट बात हुई। कादी साहब, जब जो मलक मुल्क पे जान निसावर करे, आपके अदारों पे जान निछावर करे, भारत जैसा वैशी मुल्क में भाग गिराए, तो सबसे पहले अरशद शरीफ पहुंचे। पाक फौज की फ्रंट लाइन पे जब बारूद चल रहा हो तो सिपाहियों के साथ सीसा पलाई हुई दीवार बन के उनके हौसले बढ़ाए, पाकिस्तान में उसको जिंदा नहीं रहने दिया जब वो बोल सकता था। तो जब वो दुनिया खाली से रुखसत हो गया, वो माल के हकीकी के पास चले गया, तो उसको इजाजत दे दी पाकिस्तान आने की। अरशद शरीफ, सोचे तो सही, क्या खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे वो मुल्क दुश्मन था, क्या वो दहशतगर्द था, क्या वो करप्ट था, क्या वो मुल्क के अदारों से, मुझसे और आपसे 100 गुना ज्यादा इश्क नहीं करता था? शहीद का भाई, शहीद का बेटा, और मैंने हर वक्त उसे मुल्क से मोहब्बत में देखा। मेरी ख्वाहिश थी कि जिंदगी में वो किसी की बुराई करे। क्या कसूर था? पाकिस्तान की सरजमीन के नीचे आपने पूरी पाकिस्तान में आग बना दी उसको पांव रखने के लिए, वो मुल्क छोड़ गया, क्या करता? मुझे बताए ना, जब मुझे अच्छा आके इतला दे कि तुझे कोई मारने आ गया है, तेरी जिंदगी को खतरा है जी, बिल्कुल उनको